हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है प्रत्यय के भेद एवं प्रकार। अब देखिए, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। प्रत्यय के भेद दो होते हैं, जैसा कि हम पहले वीडियो में भी बच्चों ये दोनों का भेद और परिभाषा बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। तो देखिए, 1 नंबर है कृत प्रत्यय, 2 नंबर है तद्धित प्रत्यय। अब देखिए, कृत प्रत्यय की परिभाषा, वो प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, लड़ क्या हो गया, धातु हो गया, प्लस आई क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, तो क्या शब्द बन गया, लड़ाई। उसी तरह हस क्या हो गया, धातु हो गया, प्लस ई क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, अब क्या शब्द बन गया, हंसी। तो अब दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय। अब इनकी परिभाषा देखिए, वो प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं या बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, मानव जोड़ता, तो मानव क्या हो गया बच्चों, संज्ञा हो गया, ता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। आप लोग के लिए आसान के लिए हम यहाँ लिख दे चुकी हूँ, तो मानव क्या हो गया, संज्ञा प्लस ता प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया बच्चों, मानवता। अब लघु जोड़ता, लघु क्या हो गया बच्चों, विशेषण हो गया, लघु जोड़ता प्रत्यय हो गया, ता हो गया प्रत्यय, तो क्या बन गया शब्द, लघुता। अब देखिए, अब इसके प्रकार, अब दोनों देखिए, कृत और तद्धित प्रत्यय दोनों के प्रकार हैं, कितने कितने होते हैं वो बताऊंगे। तो देखिए नीचे, अब देखिए बच्चों, कृत प्रत्यय अब प्रकार है। अब देखिए, कृत प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं। अब देखिए कौन कौन है, प्रथम नंबर है कर्तृवाचक, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। द्वितीय नंबर है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तृतीय नंबर है करणवाचक कृत प्रत्यय। फोर्थ नंबर है भाववाचक कृत प्रत्यय। अब फिफ्थ नंबर है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब देखिए बच्चों, कृत प्रत्यय का 5 प्रकार हो गया। अब तद्धित प्रत्यय का कितने प्रकार होते हैं वो बताऊंगी। देखिए, तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है देखिए, प्रथम नंबर है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। द्वितीय नंबर है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। तृतीय नंबर है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। फोर्थ नंबर है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। और फिफ्थ नंबर है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। और सिक्स नंबर है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। और सेवंथ नंबर है स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। और 8 नंबर है बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। अब बच्चों, ये दोनों को जो है, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार को याद कर लीजिएगा बच्चों। ये सब एग्जाम में पूछता है कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए बच्चों, थोड़ा ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।